हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे चैनल पहाड़ी चटकारा में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल श्री भगवान कृष्ण को भोग लगने वाला स्पेशल मावा पाक, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। मैं इसको बहुत हेल्दी तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई जिसमें मैं एक बाउल घी डाल दूँगी, यानी कि एक कप आप यहाँ पर घी यूज़ कर सकते हैं। और आधी कटोरी के आसपास मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं। आप बादाम की क्वान्टिटी कम या ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन्हें हमने भून लेना अच्छे से, जब तक बादाम चटकने नहीं लगे, यानी कि इनका थोड़ा सा कलर चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा खुशबू इसमें आने लग जाएगी, तो हम इन्हें निकाल देंगे। हमारे बादाम हो गए हैं तैयार, और गैस का जो फ्लेम है ना, हमें लो ही करना है यहाँ पे। और थोड़ा सा हमने काजू भी डाल दिए हैं, यानी कि आधे बाउल के आसपास मैंने यहाँ पे काजू भी लिए हैं। इन्हें भी हम भून लेंगे। इनका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा सुनहरा भूरा करना है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो काजू भी भून गए हैं। तो इसी घी में हमने एक कटोरी यहाँ पर मखाना डालना है, और मखाने को भी हमने लो फ्लेम पर ही भूनना है। तो यहाँ पर जितने भी ड्राई फ्रूट हम यहाँ पर भूनेंगे, तो वो सब हम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो जब हमारे मखानों का कलर चेंज आ जाए ना, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। ठीक उसी कढ़ाई में यहाँ पे 2 चम्मच मैं गोंद यूज़ कर रही हूँ, जो हम सर्दियों में मेथी के लड्डू बनाते हैं ना, वही वाला गोंद है। तो 2 मिनट नहीं लगते इन्हें भूनने में, तो इन्हें हम निकाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच यहाँ पे खरबूजे के बीज ऐड करेंगे, इन्हें भी हम भून लेंगे। और ये चटकने लग जाते हैं ना, तो हम यहाँ पे नारियल का कद्दूकस किया हुआ नारियल हम यहाँ पे डाल देंगे। मैंने 1 कटोरी यहाँ पे डाला है, तो इसे हम भून लेंगे। और इसमें भी हम यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करेंगे, खसखस। इससे हमारी जो मिठाई है ना, बहुत अच्छी और बहुत प्यारा इसका टेस्ट आता है, जब ये अच्छे से भून के तैयार हो जाते हैं। तो इसका कलर हमने थोड़ा चेंज होने देना है। जब इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाए ना, तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और यहाँ पे 20 से 25 मैंने यहाँ किशमिश ऐड किए हैं, ये ऑप्शनल है। और इन्हें हम ऐसे चलाते रहेंगे। तो हमारा गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है, तो ये तैयार हो गया है। तो अब हम जो हमने भुने थे ना, इनको हम हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं। एक छोटा सा मिक्सर जार ले लेंगे, उसमें हम काजू और बादाम को पहले एक साथ पीस लेंगे। ज़्यादा हमने बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा हमने इसको पीसना है। तो यहाँ पे हमारे काजू और बादाम पीस चुके हैं। देखिए मैंने दरदरा इन्हें पीसा है। तो सारी जो जितने भी ड्राई फ्रूट है ना, हम सबको दरदरा यहाँ पे पीसेंगे। तो यहाँ पे मैंने मखाना भी पीस लिया है, और यहाँ पे मैंने गोंद भी पीस लिया। सारी चीज़ें मैंने दरदरी ही पीसी हैं। तो जो मसाला हमने बनाया था ना, ये हमारा ठंडा हो गया है, तो इसमें सारी चीज़ें हम डाल देंगे और मिला लेंगे। तो हमने अब इस पाक मिठाई को बहुत टेस्टी और हेल्दी बनाना है। तो हेल्दी हम कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पे चाशनी का यूज़ नहीं करेंगे, चीनी का यूज़ नहीं करेंगे, कोई दूध का यूज़ नहीं करेंगे। तो अब मैं बताती हूँ। मैंने सेम कढ़ाई को अच्छे से साफ कर लिया है, और गैस को हमने ऑन कर दिया है। तो हमने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी गुड़। जी हाँ, हम आज इसको गुड़ से बनाएंगे। और इसमें ठीक उसी कटोरी के आधी कटोरी से ऊपर थोड़ा सा हमने यहाँ पर पानी यूज़ किया है, यानी कि 1 कटोरी गुड़ और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम यहाँ पे पानी यूज़ किया है। इसे तब तक उबालने देंगे जब तक हमारा गुड़ मेल्ट ना हो जाए। बस इसमें हमने एक तार की चाशनी जैसी बनानी है, जैसे हम चीनी में चाशनी बनाते हैं ना, चीनी को एक तार की, ठीक उसी तरीके से हमने भी इसे बना लेना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए, थोड़ा सा ठंडा होने दो। ये देखिए हमारी ठीक स्टेज पे हमारा बन गया है 1 तार की गुड़ की चाशनी। तो हम इसमें गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे चाहो तो, क्योंकि मेरा गुड़ ज़्यादा गर्म हो गया है, तो मेरा गैस का फ्लेम बंद किया है। और जो मिक्सर था ना, वो हम यहाँ पे डाल देंगे और इसे चला लेंगे। और जैसे जैसे ये चलता रहेगा ना, तो अब हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, और मीडियम रखा है गैस का फ्लेम। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे गैस का फ्लेम जो है मीडियम ही रखना है, और ऐसे चलाते रहिए। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। देखिए सारी चीज़ें आपस में मिल रही हैं, तो ये सही स्टेज है हमारा, ये तैयार हो गई मिठाई। तो अब हम इसे मतलब यानी कि सेट कर लेंगे। तो एक प्लेट या थाली जो भी लें, उसमें हम घी को अच्छे से लगा लें, फैला लें, और जो हमने मिक्सर बनाया है ना, वो हम यहाँ पर डाल देंगे और इसे फैला लेंगे अच्छे से। तो ये सारी जी हमने गरम गरम में ही करना है। जब जन्माष्टमी में इसको बनाएंगे ना, तो भगवान जी तो खुश होंगे, आप और आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार है और हेल्दी है। हमने ये गुड़ से बनाया, तो इस तरीके से हम इसे अच्छे तरीके से इसे फैला लेंगे। तो अब हम थोड़ा सा इसे गार्निश भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने गार्निश के लिए थोड़ा सा ये नारियल जो मैंने कद्दूकस किया था ना, वो मैंने बचा के रखा था, और थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट भी बचा के रखे थे। तो उससे हम थोड़ा सा इसे डेकोरेट भी कर लेंगे, क्योंकि इससे हमारी जो मिठाई पाक है वो दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी।
तो ये हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ा हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिठाई में लग जाए। तो इसे हम 2 घंटे के लिए रेस्ट करेंगे, और गुड़ है ना, तो इससे हमारी जो मिठाई है वो चिपचिपी भी नहीं होगी, और एकदम जब आप इसे खाओगे ना तो बहुत ही एकदम बरबरी सी, मतलब टूटने वाली बहुत प्यारी मिठाई हमारी बन के तैयार होगी। तो इस जन्माष्टमी आप इसे बनाइए, कान्हा जी को भोग लगाइए अपने घर में, अपने फैमिली को खुश रखिए। और ये मिठाई पूरी तरीके से हेल्दी है क्योंकि हमने इसे गुड़ से बनाया है, इसमें कोई चाशनी, कोई दूध, ऐसा कोई फालतू चीज़ नहीं है। ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है, ये देखिए, और ना ही ये चिपचिपी है, ना ही कुछ है, इसके पीसेस बहुत आराम से इजीली बन रहे थे। तो फ्रेंड, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है? जन्माष्टमी आप भी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।